हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिसेंट पूरी। मैं हूं आपका दोस्त एक्स अंसारी। तो गाइस, मैं आज आपको लेकर आया हूं पुरानी दिल्ली के फतेहपुरी इलाके में, जहां पर है हमारे जानी दी हट्टी। भाई, इनके यहां का फालूदा इस कदर मशहूर है कि पुरानी दिल्ली के अंदर या दिल्ली के अंदर जो फालूदे के आइटम जो लेकर आए थे, वो इन्वेंशन जो थी वो इन्हीं का ही था। और उसके बाद जितने भी फालूदे की दुकानें खुली हैं, वो इनके देखम देख खुली हैं। ये काफ़ी मशहूर है, और दिल्ली के अंदर भी जितने भी जानी से जो पॉइंट हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो इसी के बाद खुली हैं। और जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। अब भाई, रबड़ी फालूदे के अलावा यहाँ पे मिलते हैं मैंगो शेक, बनाना शेक। सर, कितने कितने रुपए के ग्लासेस हैं? मैंगो का 120 का लार्ज और 80 का मीडियम, और बनाना शेक का 100 रुपए का और 80 का मीडियम। और जो यहाँ का मेन फेमस आइटम है, वो है रबड़ी फालूदा, जो बिल्कुल इसके बराबर में मिलता है। आइटम जो है दोनों ये सब ज्ञानी की ही है। भीड़ देखिए आप लोग किस कदर होती है। ये यहाँ का इनका मैकिंग सेक्शन है, जहाँ पे रबड़ी फालूदा ये बनाते हैं। भाई, 100 रुपए का एक गिलास है, और देखते हैं थोड़ा सा बनते हुए देखेंगे और आपको खा के बताएंगे कि रबड़ी फालूदा कैसा है। तो भाई, हमारा फालूदा का गिलास बनना शुरू हो गया। उन्होंने सबसे पहले डाला फालूदा, सुबह कितने बजे खुलती है दुकान भाई साहब? 9:30 बजे। और शाम को? 11 बजे। रात को 11 बजे तक? ये गाइस आप देख सकते हैं ग्लासेस एक दफा में कितने सारे बनाते हैं ये। भाई, रबड़ी फालूदा दिल्ली में जो लेकर आए हैं, सबसे पहले ज्ञानी के यहाँ आया है, इन्वेंशन इन्हीं के यहाँ की है। ये इन्होंने डाली रबड़ी, जो पहले से बनी हुई होती है। क्या चीज़ है भैया ये? क्या, कौन सा? शुगर सिरप। ये आ गया गाइस शुगर का सिरप जो उन्होंने डाला है, और ये ऊपर से आ गई बर्फ। और गाइस, ये हमारा गिलास हो गया तैयार। तो गाइस, हमारा जो गिलास है रबड़ी फालूदे का, ये हमारे हाथ में है, और बिल्कुल क्वांटिटी देखिए फालूदे के साथ है। स्टार्ट करता हूँ मैं, आपको खा के बताता हूँ। इनका काफ़ी फेमस है दिल्ली में, जो इन्वेंट किया था रबड़ी फालूदा, वो ज्ञानी वालों ने ही किया था। और जो मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पुरानी दुकान ज्ञानीज दी हट्टी के नाम से ये दुकान है इनकी, सबसे पुरानी दुकान इन्हीं की। उसके बाद दुनिया में जितनी भी ब्रांचेस खुली हैं, वो इसके बाद यहाँ से खुली हैं। तो चलते हैं अपने फालूदे की तरफ। अल्टीमेट, एक तो गर्मियों का टाइम है, और ऊपर से रबड़ी फालूदा जो बिल्कुल आपकी बॉडी को एकदम रिफ्रेश कर देगा। कभी भी पुरानी दिल्ली फतेहपुरी के इलाके के अंदर आप आए, तो मैं एड्रेस जो है इनका पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। काफ़ी नॉन दुकानें हैं इनकी यहाँ की, इनका एक बार रबड़ी फालूदा आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। तो गाइस, जब तक मैं अपने फालूदे को करता हूँ इंजॉय, आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। गाइस, आप लोग देख सकते हैं भीड़ किस कदर होती है यहाँ पे, लोग आते रहते हैं, खाते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो गाइस, रबड़ी फालूदा हमने इनका काफ़ी इंजॉय करा। एड्रेस जो है पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस, अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।